हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। हम पढ़ रहे थे क्लास सेवन्थ एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 2.5। यहां का हमने चार क्वेश्चन पढ़ लिया था। पांचवा क्वेश्चन से आज पढ़ना है, इसमें क्या कह रहा है, विस्तारित रूप में लिखिए। विस्तारित रूप को एक्सपेंडेड फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपेंडेड फॉर्म। तो भैया डेसिमल जो नंबर है इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें लिखना है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन का हल ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो। 20.03 है ना, इसमें क्या करना है, हमें एक एक नंबर लेना है। 20 में पहले आप देखो दशमलव के मतलब पहले बाईं साइड वाले नंबर यानी 20। इसमें सबसे पहले जो अंक है वो है 2 इंटू इसमें आप कितने से मल्टीपल करोगे पता है आपको? देखो दो के बाद में कितनी गिनती है, मतलब कितना डिजिट है भाई। टू के बाद में ओनली वन डिजिट है, जीरो ना, तो वन डिजिट अगर रहेगा तो आप 10 से मल्टीपल करोगे, ठीक है। फिर से लगाओगे प्लस। अब बताओ जीरो, जीरो के बाद में कितना डिजिट है? जीरो के बाद में कोई डिजिट नहीं है, फिर डेसिमल है तो कोई डिजिट नहीं होगा, तो आप वन लिखोगे, ये याद रख लो, ठीक है। फिर करोगे प्लस, अब सिस्टम बदल जाएगा। अब डेसिमल के बाद वाले नंबर की बारी आ गई, तो हम क्या लिखेंगे, जीरो है तो जीरो लिखेंगे इंटू जो सीधा सीधा इधर हम मल्टीपल करते थे, जैसे 2 × 10, 0 × 1। अब इधर वो फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जीरो के बाद कितना डिजिट है? वन है ना, वन है तो ये हो जाएगा 1/10, ओके। फिर 3 × अब बताओ 3 के बाद कितनी डिजिट है? 3 के बाद है कुछ क्या? शायद कुछ नहीं ना, तो 1। बस ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म का ये मतलब होता है कि जब आप इसे सॉल्व करो तो फिर से ये क्वेश्चन आ जाए। देखो अगर ये आ जाएगा तो सही, नहीं तो गलत है। इसे जब हल करोगे तो ये गिनती नहीं आएगी, ये गलत है। इसमें एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये 100 होना चाहिए बस, बाकी सब ठीक है। देखो इसको ऐसे समझ लो, दशमलव के बाद जितना इधर साइड बढ़ते जाएंगे, मतलब जैसे यहाँ पे और जीरो होता जीरो होता, तो ये जीरो की संख्या बढ़ती जाएगी, याद रखना, ठीक है। देखो जीरो के बाद में यहाँ पर वन डिजिट था ना, तो आपने 10 लिखा। अब 3 के बाद में आप देखो तो इधर साइड में तो कुछ नहीं है, लेकिन आप इधर साइड अगर देखो इसके पहले तो 1 डिजिट है, तो आप इसे 100 से भाग करोगे। इसको ऐसे समझ लो यार, देखो इसमें एक होता है जिसे क्या बोलते हैं, 1/10, 100,000, इसको पढ़े हो स्टूडेंट्स। आप लोग ये समझ लो कि दशमलव के दाहिने साइड की पूरी कहानी अलग होती है, दशमलव के ये बाईं साइड की पूरी कहानी अलग होती है। ये देखो जीरो जो है ये दशांश है, ठीक है, ये दशमलव के जस्ट बाद है, ये क्या है, दशांश है, इसलिए यहाँ पर 0 × 1/10 हुआ। और जो 3 है ये शतांश है, शतांश है, इस कारण से इसको 3 × 1/100 किया गया, समझ गए ना। तो ये पहला क्वेश्चन आपका हो चुका। दूसरा का अगर मैं सोल्यूशन आपको दिखाऊँ 2.03, तो इसको भी आप ऐसे ही कुछ करोगे 2 × देखो इसके बाद में कोई नंबर नहीं है, 2 के बाद में है कुछ, कुछ नहीं ना, तो आप 1 करोगे और फिर प्लस। अब ये 0 आ गया, फिर वही कहानी जो इधर हुई थी, क्या था, एकदम सेम टू सेम ऐसे था क्या, सेम टू सेम था ना, तो ये 0 × 1/10 और फिर प्लस, ये हो जाएगा 3 × 1/100। अच्छा देखो एक बात समझ लो यार, ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है इससे ये आता है कि नहीं आता है, चलो देख लेते हैं, ट्राई कर ले। 2 का मल्टीपल करो 2 हो जाएगा, और ये प्लस, ये 0, भैया ये 0 ही हो जाएगा किसी भी तरह से करोगे तो, और ये जो है ना ये बनेगा 0.03, ठीक। बस समझते, चलो जोड़ दो सभी को फटाफट, जोड़ना आपको आता है बहुत ही अच्छे से। 2 × 0, 0 आप लगाओगे, 0 और 3, देखो 2.03 आ गया ना, और 2.03 था ये, इसका मतलब ये जो मैंने किया था एक्सपेंडेड फॉर्म सही था, समझ गए ना। देखो इसको लेकर के मैंने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में किया था ये, और इसको मैंने सारा गुणा गणित करके ये इतना ले आया, इसका मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म सही था, तभी इतना आया, नहीं आता नहीं, ठीक है। इसको भी चलो ट्राई कर लेते हैं, लगे हाथ सही है गलत है, इसको गुणा करोगे तो ये 20 होगा, धन ये 0 होगा, और धन ये भी क्या होगा, 0 ही होगा, और धन ये क्या होगा भैया, ये 0.03 होगा, क्यों, क्योंकि ये देखो 2 0 है नीचे और ऊपर 3 है, समझने की कोशिश करो। इसको भी जोड़ोगे फटाफट, जोड़ डालो ये भी, ये 20.000,
पॉइंट के नीचे पॉइंट, जीरो और थ्री, यही बन रहा है ना, यही बन रहा है ना, जोड़ लो 20.03 आपका आएगा। अगर देखो तो जो क्वेश्चन था वही आ गया, यानी कि ये एक्सपेंडेड फॉर्म सही है। आप एक्सपेंडेड फॉर्म करके उसको आप शॉर्ट फॉर्म में करके समझ भी सकते हो कि मैं मतलब सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से एक जो क्वेश्चन है इसको भी चलो कर देते हैं, वैसे तो आप इसको कर लोगे, अब बताने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल आप काफ़ी कुछ समझ गए हो। और हाँ, अगर आप इसे YouTube पे डेमो के रूप में देख रहे हैं तो अभी तुरंत जल्दी से इस क्लास को लाइक कर दें, देर ना करें, जिससे कि थोड़ा सा हौसला बढ़े और हम आपको और अच्छी सी क्लास उपलब्ध करा सकें। चलो 2 × 2, यहाँ पे देखो बगल में कितने जीरो हैं भैया, दो जीरो हैं ना। अगर एक गिनती होती है तो 10 से गुणा करते हैं, दो गिनती है ना, मतलब इसमें आप 100 से गुणा करोगे, धन। ये केवल 2 के लिए था, अब इस जीरो पे आ जाओ, 0 × कितने से मल्टीपल करोगे, इसके बाद एक गिनती है ना, तो 10 से, फिर धन, दूसरा वाला जीरो पे आ जाओ, 0 × 1 प्लस, अब आ गया 10 हमलों के बाद, तो 0 × 1/10 और ये 3 × 1/100, ये होगा 100, समझ गए ना। बस 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 टेंशन नहीं लेना है, समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा सब आ जाएगा। हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। चलो इस एक्सपेंडेड फॉर्म से हम इसको लाते हैं, अगर आ जाएगा तो सही है, नहीं तो गलत है। ये मल्टीपल किया 200 प्लस ये 0 और ये भी क्या हुआ भैया, 0 और ये भी हुआ 0 और ये हुआ 0.03। जोड़ दो सभी को, जोड़ दो फटाफट, ये लो 200.00, जो 0 है इनको कहीं भी लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं है, 0.03। आप देखोगे 200.03 इसका क्या आया, आंसर आया, नहीं दिख रहा है तो ये देख लो साइड में, मतलब इसको मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में किया, फिर इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में किया, आ गया वही, इसका मतलब सही है, ठीक ना। तो नोट कर लो जल्दी से, फटाफट आगे बढ़ते हैं हम लोग, हो गया ना इतना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, इसमें 2.56 में 2 का प्लेस वैल्यू पूछ रहा है। प्लेस वैल्यू को इंग्लिश में स्थानीय मान कहा जाता है। देखो साथियों, जो सिंपल नंबर हैं उनका स्थानीय मान करना आप लोगों ने बचपन में सीखा है। जैसे अगर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं कि चलो भैया 256 में 2 का स्थानीय मान बताओ, तो आप बता लोगे बड़े आराम से कि भैया ये जो 2 है, ये देखो 1 × 100, ये 100 के प्लेस पर है, इसलिए इसका स्थानीय मान 2 × 100 यानी कि 200 हो जाएगा, है ना। अगर इसमें 5 का प्लेस वैल्यू मैं पूछूं तो 5 टेंथ प्लेस पर है, तो 5 × 10 इक्वल ये 5050 हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें डेसिमल लग गया, दशमलव लग गया, तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, और इसी कन्फ्यूजन को यहाँ पर हम दूर करने वाले हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं, इसमें 2 का स्थानीय मान पूछा है, तो 2 का स्थानीय मान सिंपल सी बात है, डेसिमल के बाद इसमें कुछ नहीं है, तो ये 2 × 1 आप कर सकते हो, बराबर 2 होगा, इसका स्थानीय मान 2 ही होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। वैसे तो आपके क्वेश्चन में सिर्फ 2 का ही पूछा था, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, इसमें अगर 5 का प्लेस वैल्यू पूछेगा अगर इस तरह का क्वेश्चन में, तो क्या करोगे। देखो डेसिमल के पहले आप सीधा सीधा नंबर में मल्टीपल करते हो, जैसे यहाँ किया है, देखो 2 × 100 से किया, इसमें 10 से किया, अगर 6 का भी यहाँ पूछ लेता तो आप इसे 6 × 1 करते, बराबर 6 इसका आंसर होता, लेकिन इसमें डेसिमल के बाद कहानी बदल जाती है, वो क्या होता है 5 × ये देखो यहाँ पर जो कंपेयर होती है ना यार, वो दशमलव मतलब उस संख्या के पहले कितनी संख्या है और दशमलव के बाद, ये गिना जाता है। तो देखो दशमलव और 5 के बीच में कोई गिनती नहीं है ना, तो यहाँ पर 1/10 क्या करोगे, 10, ठीक, 1/10 अगर कुछ नहीं है तो 1/10, तो इसका जो डेसिमल मतलब स्थानीय मान होगा अगर बोलें तो वो 5/10 होगा, या फिर आप 0.5 इसे कह सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पर हम 6 का लें, 2.56, अगर यहाँ पर हम 6 का लेंगे तो क्या होगा पता है आपको, इसमें अगर हम 6 का लेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 1/100, ये 100 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये वंस, अगर आप यहाँ से देखो तो इसके पहले एक गिनती है ना, मतलब जो 6 है, 6 और इस डेसिमल के बीच में 1 डिजिट है 5 ना, तो इसलिए आप 100 से भाग करोगे। अगर कोई गिनती नहीं तो 10 से, अगर एक गिनती है तो 100 से,
ठीक, समझ रहे हो ना? मतलब कहने का ये है कि दशमलव के बाद अगर टोटल दो नंबर हैं तो आप 100 से भाग करोगे, दशमलव के बाद अगर एक नंबर है तो 10 से भाग करोगे, इसलिए इसका जो प्लेस वैल्यू है 0.06, ये आप कह सकते हो। तो ये तरीका होता है इसको करने का। इसके अलावा इसी अभ्यास में, इसी प्रश्नावली में एक क्वेश्चन और है, उसको भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बस आप हमारे साथ बने रहो। वो है 2.03, यही है ना? नहीं, ये नहीं है। दूसरा वाला जो है वो है 21.37। इसमें देखो, इसमें अगर आप ध्यान दो तो वन डिजिट है, ये टू के बाद है ना वन डिजिट, तो इसका डेसिमल का जो आपका हो जाएगा स्थानीय मान की अगर बात करें तो 2 × 10 यहाँ पे 10 हो जाएगा, और फाइनल में इसका स्थानीय मान 20 कहलाएगा, समझ गए ना? अगर 3 का बोलें तो 3 का प्लेस वैल्यू यहाँ पर होगा 3 × 1/10 इक्वल 0.03। सही है क्या? नहीं सही है, ये हो जाएगा 0.3। ठीक, अगर 7 का प्लेस वैल्यू बोलें तो यहाँ हो जाएगा 7 × 100 इक्वल 0.07, ये होगा, समझ गए ना? तो ये था इसका पूरा कॉन्सेप्ट। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको क्रिएट हो रही तो आप निसंकोच कमेंट करिए। अगर आप इस क्लास को YouTube पर देख रहे हैं डेमो के रूप में तो आप PVR स्टडी का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और कंप्लीट कोर्स घर बैठे पढ़ें, और कोई भी डाउट होने पर निसंकोच आप हमें व्हाट्सएप पर भेज के पूछ सकते हैं। चलिए आगे साथियों, वो कहावत तो सुनी होगी, करत करत अभ्यास से जन्मत हो तो सुजान, और असरी आवत जात से सिल पर परत निशान। तो अभ्यास बहुत बड़ी चीज़ है, आप लोग इनका अभ्यास करना। इसमें प्रत्येक डिजिट का आप हमें स्थानीय मान बताना है, ठीक है? प्रत्येक अंक का प्लेस वैल्यू आपको ज्ञात करने हैं, डेसिमल लगा है फिर भी आपको 5 क्वेश्चन हम दे रहे हैं एक्सरसाइज के लिए। और अगर एक्सरसाइज करोगे, जितना क्वेश्चन हम बोल रहे हैं करोगे, तो मैथ आपको आएगी, कोई रोक नहीं सकता आपको, है ना? तो करना ज़रूर इसको साथियों। इसमें एक एक्सरसाइज और है लास्ट वाली, वो है 2.6। इसमें कह रहा ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। इसमें ये वन डिजिट पे डेसिमल लगा है, बाकी वही संख्या है। इसको हल करने का आपके पास दो तरीका है, मैं दोनों बताऊंगा, आप बताना कि कौन सा आपको अच्छा लगता है, ठीक है? पहले तो दशमलव भूल जाओ, आँख बंद कर लो कि दशमलव था भी, ठीक है? गुणा कर लो, 2 × 6 में तो 12 होगा ना, और 12 लिख दो। यहाँ पर देखो, वन डिजिट पे डेसिमल था, पीछे से 1 गिन के 1 डिजिट पर डेसिमल लगा दो, ये आंसर हो गया शॉर्टकट में। इसमें ज़्यादा कुछ लफड़ा नहीं करना है, हो गया। दूसरा में देखो, इसमें भी दशमलव भूल जाओ और गुणा कर लो, तो 8 × 48 है ना, आप जानते हो 8 × 6 = 48, कैरी आया 4 × 8 = 32, 32 में 4 ऐड करोगे तो हो जाएगा 36। अब देखो, वन डिजिट पे क्या है, डेसिमल है ना, तो पीछे से 1 डिजिट लेके यहाँ डेसिमल लगा दो, ये हो गया आंसर। लेकिन अभी आपको बहुत जल्दी जल्दी जो आ रहा ना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा जब मैं दूसरा मेथड बताऊंगा। इसका भी मल्टीपल कर लो, 5 × 5 = 5, और 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10। पहले डेसिमल भूल जाओ, डेसिमल का टेंशन मत लो, पहले मल्टीपल कर लो संतुष्टि से। फिर देखो, 1, 2 डिजिट पर डेसिमल था, तो पीछे से 2 डिजिट पर डेसिमल लगा दो, आंसर हो गया। इसका आंसर आप खुद से बताना, ठीक है? ये हो गया, ये थोड़ा शॉर्टकट हो गया, लेकिन जो बुक में रूल लगा है बेसिक वाले में, एक एक स्टेप में, उसको भी देख लो वो क्या कहता है। चूँकि ये कापी यहाँ गाँव में बड़ी महंगी मिली है, इसलिए हम इसका पेज एक भी लाइन नहीं ख़राब करेंगे, यहाँ बता देते हैं, ठीक है? अगर ये प्रयागराज में भैया लो तो बड़ा अच्छा मिलता है, बट यहाँ तो भैया ये बहुत महंगा मिलता है। चलो ठीक है, फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन था 0.2 × 6। इसका जो बुक का रूल है वो क्या है, वो ऐसा है ना कि देखो, 0.2 है, इसे हम लिख सकते हैं 2/10, और गुणा ये क्या हो जाएगा, 6, समझ गए ना? बस इतना करा है, बाकी कुछ नहीं करा है बुक में, ऐसे ही करा है। इसे अब काट दो, कितने से काटोगे, 2 से काट दो, 2 × 5 = 10, और ये 2 × 3 = 6, गुणा कर लो तो 2 × 3 = 6/1 कितना हो जाएगा, 5, समझ गए ना? इसका आप क्या करोगे, अब भाग कर लो, भाग कर लो, 1.2 आएगा। अब आप लोग बताना हमें कौन सा मेथड आसान लगा आपको, ठीक है? ये थोड़ा एक्सपेंडेड फार्म वाला मेथड है, मतलब जो बुक में 7th में पढ़ना चाहिए वो रूल है, ये तो मैंने आपको बता दिया जल्दी से आंसर लाने के लिए।
और आगे अगर हम चलें तो इसी में और भी आपको बता देते हैं। देखिए, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी आपको मैथ सीखना है, तो आप ये जल्दी से फटाफट केवल आंसर लाइए, बस इसी से मतलब है। अगर आप SSC का एग्ज़ाम देने बैठे हो, या फिर CTET का दे रहे हो, या फिर आप NET GRF का दे रहे हो, तो आपको सिर्फ आंसर लाने से मतलब होता है। वो वाला मेथड नहीं लगाना है कि पहले इसको 5/100 करो, फिर 7 से मल्टीपल करो, ये सब झंझट मत करो, डायरेक्ट कर लो बस। ये 7×5 कितना हो जाएगा, 35 हुआ ना, 35। यहाँ पर देखो 2 डिजिट पर डेसिमल है, तो यहाँ पर डेसिमल लगा दो, ये बस ये आंसर हो गया। बात समझ गए ना, इसको स्पष्ट लिख लो भैया, अगर कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा हो तो, बस हो गया। लेकिन मुझसे स्पष्ट लिखता ही नहीं यार, मुसीबत तो ये है। कापी में थोड़ा कम बनता है, बोर्ड में अच्छा बनता है। एक्सरसाइज 2.6 में क्लास 7th NCERT मैथ में क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई कितना दी है। भैया ये 5.7 सेंटीमीटर दी है, और इसकी जो चौड़ाई है वो कितना दी है, वो दी है 3 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि किसी भी आकृति के लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को उस आकृति का क्षेत्रफल कहा जाता है। और परिमाप की अगर बात करें तो किसी भी आकृति के चारों भुजाओं के योग को परिमाप कहते हैं। परिमाप को इंग्लिश में पेरीमीटर कहा जाता है, जबकि क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया नाम पुकारते हैं। तो क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 5×7, ये 0.7×3, यही इसका क्षेत्रफल होगा। 3×7 = 21, हासिल आया 2, 3×5 = 15, 2×17 एक अंक पर दशमलव था, तो ये हो जाएगा। लेकिन एक बड़ी बात है, वो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना मत भूलना, नहीं तो 17 सत्यानाश हो जाएगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखोगे तो उत्तर गलत काटा जा सकता है। इसके लिए आप कोई भी कंप्लेन नहीं कर सकते हो, चूँकि मात्रक बहुत ज़रूरी होता है। एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 का पहला पार्ट है 1.3×100। देखो इसमें 100 में सीधा सीधा मल्टीपल कर लो बिना कुछ करे हुए, तो आप ये मल्टीपल करोगे तो ये 1300 हो जाएगा। जानते हो ना, एक अंक पर दशमलव था, पीछे से एक अंक पर दशमलव लगा दो, 130.0 आएगा। लेकिन अगर इसको आप अपने मेथड से करो जो आप पढ़ते आए हो, तो मतलब बुक के अकॉर्डिंग क्लास से बंद की, तो इसको आप 1.3×100 दिया है ना, इसको आप पहले लिखोगे ये 13/10×100, ऐसे करोगे तब ये जाके क्लियर होगा। ठीक है, ये कक्षा 7 का रूल है, ये मैं अपनी तरफ से बताया हूँ। कक्षा 7 का रूल ये कहता है कि आप 1.3 को पहले 13/10 करो, इससे आप काट दो 10 आएगा, गुणा कर दो 130 आएगा, ये आंसर हो गया। समझ गए ना, तो इस तरह का क्वेश्चन आप घर बैठे चुटकियों में कर लोगे। दोनों रूल मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे ये करो चाहे ये करो। अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, शॉर्टकट जानना चाहते हैं, तो ऐसे करें, ये ना करें। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए अभ्यास के लिए लिख दे रहे हैं, आप इनको लिख लो। और हाँ, इसी तरह के क्वेश्चन आप खुद से भी बना करके हल करने की कोशिश करो, ज़रूरी नहीं कि हमें लिख के दें आपको। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आप इनका मल्टीपल करना। अगर आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हो डेमो के रूप में, तो आप इस वीडियो में आकर के इसका उत्तर कमेंट करना। अगर आपने कोर्स लिया है तो आप हमें व्हाट्सएप पे इसका सलूशन भेजना, आपको चेक करके बताया जाएगा। ठीक है ना, और हाँ, कोई अगर कन्फ्यूजन है तो आप निसंकोच कमेंट करिए। और हाँ, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है कि क्लास ये रोज़ नहीं मिलती या कैसे क्या है, तो आप निसंकोच PVR स्टडी ऐप प्ले स्टोर से अभी अपने मोबाइल में डाउनलोड करें और रजिस्टर करें, पढ़ते रहें कहीं से भी कभी भी। अगर आपने इस क्लास को YouTube पर डेमो के रूप में देखा है, तो अभी तुरंत WhatsApp पे मैसेज करें ज्वाइन प्रीमियम लिख करके, और कॉल करके भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं। प्रीमियम क्लास की विशेषता है कि आपको 30 दिन से 90 दिन के अंदर कंप्लीट NCERT मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट सब कुछ सिखा दिया जाएगा। आप ऐसे प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाओगे जहां से आप किसी भी क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हो, मतलब मैथ वाली बाधा आपकी दूर हो जाएगी, इस बीमारी का गारंटी के साथ इलाज हो जाएगा, और वो भी घर बैठे। तो आज ही हमारी प्रीमियम क्लास ज्वाइन करें और कंप्लीट क्लास एक निश्चित अवधि में देखें। अन्यथा अगर नहीं करना चाहते हैं, इसको बिल्कुल ना करें। YouTube पे PVR स्टडी प्रयागराज सब्सक्राइब करके रखें और देखते रहें कहीं से भी कभी भी। PVR स्टडी प्रयागराज के 4 YouTube चैनल हैं, PVR स्टडी 2.0, 3.0, 4.0, सभी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।